अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मई जहांआरास किचन। आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सबके लिए गाजर की फिरनी बनाने वाली हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है। इसका टेस्ट माशाल्लाह बहुत ही यमी है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है। अगर आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं गाजर की फिरनी की रेसिपी। गाजर का फिरनी बनाने के लिए हमें चाहिए 1/2 kg के करीब गाजर। इसका मैंने छिलका उतार कर पानी से अच्छी तरह से साफ कर लिया है। अब हम इन सबको कद्दूकस कर लेते हैं। एक एक करते हुए गाजर को हमें कद्दूकस कर लेना है। मैंने इंस्टेंट ही गाजर हलवा की रेसिपी अपलोड की है, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप सब देख सकते हैं। बिल्कुल एक नए तरीके से मैंने बनाया है गाजर का हलवा, आप ज़रूर उस वीडियो को चेक कीजिएगा। तो मैंने सारे गाजर को अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया है। तो चलिए अब हम चलते हैं स्टोव की तरफ। स्टोव के मीडियम फ्लेम पर मैंने 1 लीटर दूध को रखा हुआ है। हमें चाहिए फिरनी बनाने के लिए 1 लीटर दूध, बिल्कुल फुल फैट मिल्क क्रीम चाहिए। मैंने यहाँ पर 2 लीटर दूध को सूखा कर 1 लीटर कर लिया है। तो आप देख सकते हैं ऊपर मलाई भी जम चुका है। तो अब हम इसी दूध से फिरनी बनाएंगे। स्टोव के मीडियम फ्लेम पर हम इसे और 5 मिनट के लिए पका लेते हैं। 5 मिनट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर 100 ग्राम के करीब सूजी ऐड कर लेते हैं, यानी आधी कप के करीब हमें सूजी ऐड करना है। सूजी डालने के बाद फ़ौरन हमें चम्मच चलाना है, नहीं तो सूजी जो है गुठलिया बन जाएगा। तो सूजी डालने के बाद आप इस तरह से चम्मच चला लें। अब हम सूजी को 3 से 4 मिनट के लिए स्टोव के मीडियम फ्लेम पर पका लेते हैं। 3 से 4 मिनट हो चुका है। अब हम यहाँ पर कद्दूकस किया हुआ गाजर उसे ऐड कर लेते हैं और इसे हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। हम इस गाजर के फिरनी को स्टोव के लो फ्लेम पर 5 से 10 मिनट के लिए पका लेना है। तो 5 से 10 मिनट के लिए हम इसे पका लेते हैं स्टोव के लो फ्लेम पर। बीच बीच में चम्मच चलाते रहना है, नहीं तो सूजी जो है वो बर्तन में नीचे लग जाएगा। तो चम्मच इस तरह से आपको चलाते रहना है। स्टोव के लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए मैंने गाजर की फिरनी को अच्छी तरह से पका लिया है। अब हम यहाँ पर छोटी इलायची का पाउडर डाल लेते हैं। 1 छोटी चम्मच छोटी इलायची का पाउडर डाल लेना है और उसके साथ 1 छोटी चम्मच केवड़ा वाटर और यहाँ पर 2 कप के करीब चीनी ऐड करना है। आप चाहें यहाँ पर अपने टेस्ट के मुताबिक ही चीनी यहाँ पर ऐड करें। आपको कितना मीठा खाना पसंद है तो उसी हिसाब से आप यहाँ पर चीनी ऐड कीजिएगा। तो अब हम इन सबको मिला लेते हैं अच्छी तरह से और चीनी घुलने तक हम पका लेते हैं और एक बार फिरनी को। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर काजू काट कर डाल लेते हैं। सबसे आखिर में हमें यहाँ पर 1 चम्मच देसी घी ऐड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर देसी घी लिया हुआ है, आप चाहें तो इसे यहाँ पर डाल सकते हैं या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देसी घी को अच्छी तरह से फिरनी में मिला लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा गाजर का फिरनी बिल्कुल अब बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितना क्रीमी बना है हमारा फिरनी। तो चलिए अब हम स्टोव को ऑफ कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पिस्ते को बारीक काट कर डाल लिया है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। आप चाहें तो गाजर की फिरनी को गर्म गर्म भी सर्व कर सकते हैं या फिर आप इसे ठंडा फ्रीज में रख कर ठंडा करके भी खा सकते हैं। आप इसे 3 से 4 दिन के लिए फ्रीज में स्टोर करके रख कर भी खा सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपने बहुत सारी फिरनी बनाकर खाई होगी, लेकिन फ्रेंड्स एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। तो फ्रेंड्स, आज की गाजर की फिरनी की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और सच में अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साइड में एक बेल आइकन आता है उसे भी ज़रूर क्लिक कीजिए। उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर पहुंचेगी और आप उसे देख पाएंगे। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।